हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। और मैं आज सुपरमार्केट गई तो मुझे ये मिला। जी हाँ, मुझे मिले पीचेस एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट देम। बट खाने से पहले मैंने सोचा कि रिसेंटली मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा मेरे स्किन का राज कि मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द होम मेड प्रोडक्ट विच आई यूज ऑन माई स्किन। लेकिन आजकल इसका चलन बहुत ज्यादा है। और जब मैं सुपरमार्केट गई थी तो मुझे ये चीज भी मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं दोनों को बैलेंस करके देखूं कि कौन किसका पल्ला सबसे ज्यादा भारी है। बिकॉज ये जो होते हैं, ये स्किन केयर शीट्स होते हैं, शीट मास्क होते हैं, और ये रोज का है, और ये भी फैमिली इसकी रोज फैमिली से आता है ये। तो मैंने सोचा कि मेड इन कोरिया है और कोरियन स्किन शीट्स तो मतलब इतना ज्यादा इसका डिमांड है, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या एग्जैक्टली मिलता है और कौन किससे बेहतर है। तो अगर ये आपको जानना है तो ये आपको मिलेगा मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। अगेन टू माई शो। और आज मैंने सोचा कि आपको जैसे कि पता ही है कि मैं ये पहली बार यूज करने वाली हूँ, और ये पीचेस जो है मैंने इसके पहले भी यूज किए हैं। हम खाते हैं वो हम अप्लाई भी कर सकते हैं, तो उससे ना ही मेरे फेस पे ग्लो रहता है, बट क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और मैं जितने लोगों को देख रही हूँ सारे सेलिब्रिटीज इसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं। ये कोरिया का बना हुआ है, कोरियन ब्रांड है ये, और मोस्टली इसका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि जो हमारे होममेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मास्क होते हैं, और कंपेयर टू दिस मास्क कौन बेहतर है या दोनों बराबर है, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये हम लोग आज जानेंगे, बट बिफोर दैट मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पीचेस होते हैं, ये विटामिन सी होता है इसके अंदर, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है, मैंगनीज होता है, और इसमें प्रोटीन भी होता है, कार्ब्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर गुण होते हैं। लेकिन उसके अलावा जबकि हम आज बात करने वाले हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की या स्किन केयर रूटीन की, तो मुझे लगता है इसका विटामिन सी और जो विटामिन ए है उसकी खासियत के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। तो विटामिन सी से सिर्फ ना ही आपके स्किन पे फेयरनेस आता है, दूसरी बात ये आपके जो अंडर आई जो क्या कहते हैं उसको, अंडर आई डार्क सर्कल्स जो आते हैं, मुझे कभी कभी लगता है मुझे मतलब गजनी वाला कुछ है, मैं हर 15 मिनट में कुछ भूलते रहती हूँ। अच्छा, तो ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसके लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये जो आपके स्किन पे पोर्स बढ़ जाते हैं, जिनके एक्ने होते हैं या जिनके पोर्स बड़े हो जाते हैं, तो ये टाइटन करने में उसको हेल्पफुल होता है, तो स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्पफुल होता है। अब इनके अनुसार ये क्या क्या करते हैं ये जान लेते हैं। इसका कहाँ लिखा है, हाँ, इट इज ये स्किन हाइड्रेटिंग होता है, ग्लोइंग स्किन के लिए है ये, और ये मॉइस्चर को करता है। एंड मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ लिखा है कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार ला रही हूँ। ये 129 रुपीस का है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 129 रुपीस का है, और इसका जो है ये फेयरनेस के लिए इसका शायद इसका होता है, और ये बैलेंस करता है, आपको हाइड्रेशन देता है ये शीट मास्क। ओके, तो इतना ही कुछ लिखा है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कैस्टर ऑयल भी है ये, इसमें ग्लिसरीन भी होता है, नियासिनामाइड भी है इसमें। ओके, दैट इज गुड फॉर एक्ने, नियासिनामाइड वो है, और राइज का कुछ होता है, लिकोराइज फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मोस्टली ये केमिकल बेस्ड है और ये हमारा नेचुरल बेस्ड है। तो मैंने बना लिया है प्लम, ठीक है, धो के इसको अच्छे से। अब हम लोगों का काम है कि हम लोग पहले करेंगे हमारा फेस वाइप, जो मैंने मेकअप यूज किया है उसे मैं करूंगी वाइप, बट बिफोर दैट आई क्लीन माई हैंड फर्स्ट, क्योंकि हाथ की गंदगी कभी भी आपके चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज उससे
स्किन पोर्स में जाके वो गंदगी बैठती है, देन फिर यू नो स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट क्लीन माई हैंड कम्प्लीटली. ये बहुत ज़रूरी है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, कभी भी आपका गंदा हाथ कभी ना लगाए, ठीक है, स्किन पे. ओके, मैंने ये कर दिया है. अब मैं लूंगी ये फेस वाइट, ठीक है. आई जस्ट क्लीन हाफ पोर्शन फर्स्ट, ठीक है. आई एम जस्ट रिमूविंग. ओके, आई रिमूव एवरीथिंग, साथ ही में लगाते हैं, ठीक है. मैं बस रिमूव कर रही हूँ तो ताकि मैं अच्छे से लगा सकूँ. बी जेंटल, ठीक है. ओके, बी जेंटल विथ योर स्किन, ठीक है. एक और बार मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फेस क्लीन होना चाहिए. जब भी आप फेस शीट या फेस मास्क लगाए, मेक श्योर कि आपकी स्किन, आपके हाथ जो आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल क्लीन हो. Here we go. ठीक है, मेरी स्किन हो गई अच्छी तरीके से क्लीन. इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है. अब हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले मैं इसे फाड़ूंगी. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, रोज एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर. ये बहुत ही ज्यादा यू नो इसमें कुछ. ओके, मैं सोच रही थी कि हाफ यूज करने का, तो मैं इसे करूंगी थोड़ा सा टियर या कट करके देखते हैं. ओके, ये पूरा ओके शीट मास्क इस तरीके से होता है, तो इसे हम लोग फाड़ सकते हैं कि नहीं फाड़ सकते. मैं फिर भी एक कैंची का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझूंगी. आई डोंट नो वेदर मैं इसे सही तरीके से काट पाऊँ या ना काट पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला है, बहुत मतलब बहुत. अच्छा, हाफ शीट मैंने अंदर रख देनी है. हाफ शीट का हम लोग यूज़ करेंगे. ये बहुत ज़्यादा गीला है. मे बी इफेक्ट कैसा आता है हम लोग देखते हैं. मैंने उल्टा तो नहीं काट दिया. अच्छा, ये ठीक है, जैसा भी है. ओके, कैसे यूज होना. ओके, हाँ, दिस वे. स्प्रेड कर दिया है और मैं बिल्कुल लग रही हूँ मॉन्स्टर. ओके, आई जस्ट वांटेड हाफ, लेकिन हो नहीं पा रहा है मुझसे, ठीक है. कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है. ये मैंने हाफ पोर्शन लगा दिया है. अब मैं एक बार इसको वाइट कर लेती हूँ. मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी थोड़ी सी भी चीटिंग हो, कि इसका कोई भी यू नो पोर्शन आए इस मास्क का इस साइड में. सो मैंने कर लिया है वाइट अच्छे से. अब हमारे पास है ये, ठीक है. अब इसको तो भाई जब घर में बना है तो देसी स्टाइल में ही लगेगा ये, ठीक है. ये मैंने लगा दिया.
वेट फॉर 15 मिनट्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिकॉज मास्क लगाया है और मेरा मास्क मूव हो रहा है बार बार, ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तो आई विल मीट यू आफ्टर 15 मिनट्स। अगर आप भी घर में इस तरीके से मास्क लगाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मास्क आप यूज़ करते हो। और अगर आपके भी दिमाग में से कोई अगर कोई सवाल आते हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर करिए। अच्छा मैं फिर यहाँ देख रही हूँ, मुझे यहाँ देखना है। अच्छा डेफिनेटली शेयर करिए मुझसे अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल आते हैं तो, कोई भी सवाल आए ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। ये हम लोगों का मास्क। तो मिलते हैं आपको 15 मिनट बाद। जी हाँ, तब तक के मैं करती हूँ रेस्ट। सो नाउ इट्स बीन लाइक 10 मिनट्स, आई हैव बीन लाइक यूजिंग दिस एंड आई विल स्टिल वेट फॉर मोर 5 मिनट्स एंड लेट्स सी क्या होता है। सो इट्स बीन 15 मिनट्स नाउ, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट वॉश दिस पोर्शन बिकॉज in the chilled water I have some ice cubes in this and I'll wash this chicken. So messy. Okay, I'll do this. You can also do one thing, जब भी आप कोई mask लगाओ, जब भी कोई मास्क लगाओ तो आप थोड़ा सा इसमें बर्फ भी आप घिस सकते हो, ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बस आपको बता रही हूँ चिल्ड वाटर में आपने इसे क्लीन कर लेना, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट आई एम नॉट डूइंग बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इसका रिजल्ट मुझे पता चले एग्जैक्टली क्या है। ओके आई विल हैव दिस टिश्यू। ओके भी हो गया है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। दिस नाउ आई विल रिमूव दिस ऑल्सो। इसका ये है कि इन्होंने कहा है कि आपको इसे लेट इट ड्राई और इसका मसाज आपको करना है, ये जो ऑयल जो इन्फ्यूज कर रहे हो इसका मसाज करना है आपको टिल इट गेट ड्राई। सॉफ्टनेस मुझे दोनों में लग रही है जस्ट बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा ऑयल मतलब इसका लिक्विड है। आई डू वन थिंग, मैं थोड़ा मसाज करके फिर इसको भी रिमूव कर दूंगी। ठीक है, मैं वाइप से और इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यूजुअली मैं जब भी कोई मास्क लगाती हूँ उसके बाद मैं आइस से उसको रब कर देती हूँ ताकि वो और अच्छे से आइस का काम होता है टाइट करना स्किन को, मैं वो ज़रूर करती हूँ। जब भी आप मेकअप भी अप्लाई करो तो मेक श्योर पहले आप आइज रब करो एंड देन यू अप्लाई। अच्छा मुझे अब जो लग रहा है वो ये है कि दोनों साइड से मेरा ये साइड मुझे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है कंपेयर टू दिस मे बी। हाँ ये साइड मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है अपना, मतलब है इसमें भी सॉफ्टनेस है बट ये देखो मैं अभी फिर एंगल मेरा चेंज हो जाता है क्योंकि मैं अपने आप को देख रही होती हूँ। ओके तो ये जो है ये मुझे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। यहाँ पे हमने पीच लगाया था और यहाँ पे हम लोगों ने ये फेस शीट मास्क लगाया था तो मुझे लगता है ये ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लग रहा है, मतलब ये सॉफ्ट है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। और अगर ग्लो की बात करें तो ग्लो दोनों में भी है,
लाइक दोनों में है ग्लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सॉफ्टनेस की और हाइड्रेशन की बात करें तो ये ज़्यादा है। एंड और जैसे कि मैं जानती हूँ बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों के लिए होममेड यू नो थिंग्स टू यूज़ होममेड मास्क वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो लोग यू नो शीट मास्क और ये यू नो डर्मैट जो भी उनको सजेस्ट करते हैं वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं, बट फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अननेसेसरी इसमें पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं घर का मास्क यूज़ करूँ। मैंने सॉरी ये कोरियन प्रोडक्ट है, देखो कितना मेसी हो गया, ये कोरियन प्रोडक्ट है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे I will suggest this because ये homemade है first of all, इसलिए नहीं क्योंकि ये chemical free है but because it is homemade, दूसरी बात ये cost effective है, इसका cost आपको एक sheet का आपको cost पड़ेगा 100 rupees और ये mask का cost आपको पड़ेगा सिर्फ 10 rupees और hardly 10 rupees या और इसमें जितने है सब natural ingredients है, गॉड गिफ्टेड इंग्रेडिएंट्स है और ये मैन गिफ्टेड इंग्रेडिएंट्स है, ह्यूमन गिफ्टेड इंग्रेडिएंट्स है, तो आई वुड प्रेफर दिस क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें विटामिन सी भी है और पता है मुझे ऐसा बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है इसमें बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पे मुझे वो सॉफ्टनेस नहीं फील हो रही है लेकिन यहाँ पे मुझे यू नो आई एम लाइकिंग दिस पोर्शन अलॉट। अगर मैं इस पर आईज रब कर लूँ ना अभी तो इतना अच्छा ग्लो आ जाएगा आपको, तो मुझे लगता है कि आई विल गिव दिस लाइक 10 out of 10 एंड 9 out of 10, आई एम सॉरी बट आई हैव टू बी यू नो ट्रूथफुल टू यू गाइस, मैं इसे ज्यादा दूंगी कॉस्ट के मुकाबले में, इफेक्ट के मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है, साइड इफेक्ट के मुकाबले में भी ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बट इसके हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत मतलब बहुत सारे केमिकल्स हैं इसमें, तो आई वुड डेफिनेटली गो विथ दिस। सो आप भी ट्राई करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। मेरे हिसाब से मेरे स्किन के लिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा एंड आई वुड सजेस्ट दिस इंस्टेड ऑफ दिस, यू नो अगर आपके पास है यू नो इफ़ यू हैव मनी इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस डेफिनेटली यू कैन गो, आई कैन नॉट लाइक यू नो चूज बिटवीन दीज टू, बट अगर मेरे स्किन केयर की बात अगर आती है तो मैं इसी को बोलूंगी कि मैं इसके साथ जाऊंगी। यस So, hope you liked my video. If you liked my video, please mat bhule like, share and subscribe my channel. Thank you.